हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र में इस बार कांग्रेस की नैया बीच भंवर में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से टिकट न मिलने पर नाराज मंडी समिति चेयरमैन प्रेम कौशल ने चुनावी थाल ठोक दी है, जिससे भोरंज कांग्रेस में काफी खलबली मच गई है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश कुमार भी चुनाव प्रचार में जोरों से जुट गए हैं। चुनाव नजदीक होने पर अब कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश कुमार और बागी प्रेम कौशल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी हो गया है, जिस कारण इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है। भोरंज विधानसभा चुनावों में प्रेम कौशल ने अपनी जीत का दावा किया और जनता की मांग पर चुनाव में उतरने की बात कही। साथ ही प्रेम कौशल ने इस बार अनदेखी किए जाने पर भी मलाल जताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी जानबूझकर भोरंज क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय कर रही है। प्रेम कौशल ने कहा कि सालों से जनता की सेवा करते आए हैं, लेकिन पार्टी ने हर बार उनकी अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि अब ये अनदेखी सहन नहीं होगी, इसलिए जनता की मांग पे वे चुनाव में उतरे हैं। 5 साल था जिसने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल के रखा और उसका नाम था प्रेम कौशल। गांव गांव में मैं घूम रहा हूं, गली गली में काम मैं कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई आक्रमण करते हैं, उसको डिफेंड कर रहा हूं, उनको अटैक कर रहा हूं। और क्या चाहते हैं आपके कार्यकर्ता से? कौन सी कसौटी है, कौन सा पैमाना है जिससे आप उसको उसका नाप तोल करते हैं कि किसको प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए? तो साथियों, मैंने अपना जीवन, अपनी जवानी कांग्रेस पार्टी को, विधानसभा क्षेत्र की जनता को नहीं, दूसरे भी मेरे पास ये कोई लिमिट नहीं है। ये तो एक कर्म क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र होता है विधानसभा। मेरे पास और भी कहीं का कोई व्यक्ति आ गया और मेरे करने का अगर कोई काम था, मैंने कभी किसी को नहीं। सेवा तो मैं जनता की करता रहा ना, लोगों की करता रहा ना। अब पार्टी ने जो फैसला करना था कर दिया, अब अगला फैसला तो जनता करेगी ना। तो उनसे मैं इस विधानसभा क्षेत्र की जो माताएं, बहनें, बुजुर्ग मेरे दोस्त हैं, नौजवान साथी हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब फैसला आपको करना है, इंसाफ आपको करना है, तराजू आपके हाथ में है, कौन सा पलड़ा भारी है, करना है कर्म का, धर्म का, सच्चाई का, सेवा का, या मौका परस्ती का, छल का, कपट का, किस पलड़े में ज्यादा वजन होगा, उसका फैसला अब यहाँ के मतदाताओं को करना है। वहीं कांग्रेस के भोरंज से प्रत्याशी सुरेश कुमार ने प्रेम कौशल पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि मैं निरंतर सक्रिय रहने वाला व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा कि धूमल सरकार के समय उन्हें कई अदालती केस झेलने पड़े, तो बिना वजह आरोप लगाने वाले खुद तबादला करवाने के नाम से बदनाम रहे, जो कि आज ऐसी बयानबाजी करने में लगे हैं। तो उनका जो ये दावा करते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि मैंने अपने घर के अंदर कोई गुफा नहीं बना रखी है, मैं उसमें अंदर रहता हूं। मैं निरंतर जो है सक्रिय रहने वाला व्यक्ति हूं, चाहे सरकार हो या विपक्ष हो। आज इतिहास गवाह है, जब विपक्ष की सरकार थी, प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे, यहां मेरे ऊपर मुकदमे बने हैं। हमीरपुर जिला में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसने ऐसा संघर्ष किया हो, और हमने मुकदमे झेले हैं, सरकार के साथ संघर्ष किया है। और जहां तक कार्यों की बात है, हमने विकास के कार्य किए हैं, हमने यहां पे लोगों की और जो जरूरतें हैं उनके लिए कार्य किए हैं, और मैं आगे भी इसी तरीके से करता रहूंगा। और मैं निरंतर सक्रिय रहने वाला व्यक्ति हूं और आगे भी सक्रिय रहूं। लेकिन जो लोग ऐसा बोलते हैं, हाँ एक बात है, मैंने अपने आप को तबादलों में इन्वॉल्व नहीं किया। गौरतलब है कि पिछले 30 साल से भोरंज विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के विधायक का एक छत्र राज रहा है, और अभी हाल ही में 6 महीने पहले हुए स्वर्गीय आईडी धीमान के निधन के बाद उपचुनाव में भी धीमान के पुत्र डॉक्टर अनिल धीमान ने जीत हासिल की थी। इन विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी की ओर से प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा सचिव कमलेश कुमारी को चुनाव मैदान में उतारा गया है, और कांग्रेस की ओर से प्रबल दावेदार प्रेम कौशल को टिकट नहीं मिला, जिस कारण नाराज प्रेम कौशल ने भी चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोक दी है। कांग्रेस पार्टी के लिए इन चुनावों में बीजेपी के अभय दुर्ग को तोड़ने के लिए एकजुटता की जरूरत थी, लेकिन पार्टी में आवंटन में नाराज पदाधिकारियों के नहीं मानने पर कांग्रेस की मुश्किलें भोरंज में बढ़ गई हैं।